गुरजीत गुरजीत जी मैं भूल जाता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, कौन सा वाला मैं, ईगो, ईगोलेस, ईगोलेस तो मर जाएगा। आप कैसे चलते फिरते हो, ईगो की वजह से। आपका मन करता है तब, आपकी बॉडी चलती है आपके मन की वजह से, और मन वो करता है जो आपने ज्ञान प्राप्त किया। आपने खून करना जानकारी ले ली तो आप खून कर दोगे, आपने खाना बनाना सीख लिया खाना बना लोगे, आपको पैर दबाने का मन, जो आपका मन करेगा बॉडी वही करेगी। तो कौन से वाले मैं की बात हो रही है, मन? ये कहा जाता है हम सब एक ही हैं, हम सब एक नहीं है। तत तुम असी, तुझ में जो है वो ही मुझ में भी है, मैं और तू एक नहीं है। हम सब मनुष्य एक ही तो है, एक कोई नहीं, हम सारे के सारे अलग अलग हैं, हम अलग अलग किस्म के हैं, एक जैसे कैसे हो सकते हैं, एक जैसा डीएनए नहीं है हमारा, शक्लें नहीं मिलती एक जैसी, ट्विंस के अंदर भी थोड़ा सा फर्क होता ही है, तो एक जैसे कहां है? दो जेब्रा धरती पे एक जैसी धारी के मिलेंगे नहीं, हमारा एक जैसा फिंगरप्रिंट नहीं है, कितने मर्जी अरबों लोग पैदा कर लो। ऊपर वाले ने इंटेलिजेंस ने कोई कमाल के तरीके से बनाया हमको, कोई तो है, कुछ तो है जो कॉमन है। कहां रहते हो आप? ब्रम्पटन में। ब्रम्पटन में वैसे आपकी बॉडी रहती है, आप इस बॉडी में रहते हो, उस घर में बिजली है, वो बिजली का मेन स्विच कहां है? स्विच बोर्ड। चलो एक स्विच बोर्ड लगा लेते हैं मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, उस बोर्ड की तारें कहां कहां जा रही हैं? सब जगह। गीजर में, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, टीवी में, मिक्सी में, लैंप में, बेड के पास के कोई चार्जर के अंदर, सब में क्या है? बिजली है। वो बिजली क्या कर रही है? अब कहो फोन भी वही है, टीवी भी वही है, दो टीवी है, दो टीवी भी अलग है, एक में कुछ प्रोग्राम चला सकते हो दूसरे में कुछ और, पर उन सब में बिजली है। वो बिजली है ब्रह्म, उन बिजली के इक्विपमेंट्स का वो है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी जो बिजली हम सब में लगी हुई है ना, उस बिजली की बात हो रही है, वो है जो ईश्वर है। क्या करती है बिजली? चेतन, जो जिसके आप बात कर रहे हो, चेतना है वो, चेतना, वो चेतन कर देती है बैठी हुई मिक्सी को, बंद पड़े फ्रिज को ऑन कर देती है, ऑन हो गए। तो क्या गया उस बिजली के स्विच बोर्ड में से, उस मिक्सी के अंदर थोड़ी सी आत्मा चली गई उसकी। कितनी चली गई? मान लेते हैं 50 वाट की मिक्सी है, 100 वाट की मिक्सी है, ठीक है, पंखा है आपका 100 वाट का एक, उसमें 100 वाट का आत्मा चली गई, जो गीजर है उसमें 3 किलोवाट है, एसी जो है वो 2 टन का है, 2 किलोवाट है, अलग अलग किस्म से गई है। वो जो उसमें गई है उसकी आत्मा 2 टन की है एसी की, जो पंखे में गई है उसकी आत्मा 100 किलोवाट की है, एक कबूतर में आत्मा गई है वो कबूतर की तरह ही रिस्पॉन्ड कर सकती है, एक हम मनुष्य हैं, हम जैसे गीजर की तरह 3 किलोवाट लेते हैं, हम बहुत हैवी मशीन है, हम सब में क्या है, पंखे में, कुत्ते में, बिल्ली में, तोता, मैना, चेतना, वो चेतना बिजली के तौर पर है। हम में क्या है? हम में भी बिजली है, हमारी भी बिजली ऑन होती है, बत्ती गुल हो जाती है ना सोते हुए, लाइट सबसे डिम होती है, आप सोते कैसे हैं? 100 वाट का बल्ब जला के? नहीं, 0 वाट का, 2-10 वाट का बल्ब जला के सोते हो। तो उस समय हमारी बॉडी भी कितने वाट पे होती है? कोई छोटे से वाट पे चलती है, 20 की स्पीड से, 10 की स्पीड से गाड़ी चलती है, पहला गियर भी नहीं चलता, लुढ़क रही है, न्यूट्रल पर आ रही है, पर हम सब में आत्मा है। वो आत्मा क्या है? गीजर की आत्मा 3 किलोवाट की, पंखे की 100 वाट की, ऐसे हम सब में भी आत्मा है। कहां से आई वो? परमात्मा से, बिजली के मेन स्विच बोर्ड से। अब पंखा कहता है मैं पंखा हूं, हाँ तो भाई पंखा है, अब तू गीजर थोड़ी है, गीजर बोले मैं गीजर हूं, तू पंखा नहीं है, तू तुम्हारी चार्जिंग नहीं कर सकता कोई चीज की,
जी सर कहे मैं गर्म पानी करता हूँ, इसी के मैं ठंडा करता हूँ। ये कोई लड़ाई नहीं है तेरी मेरी, हम सब में बिजली है। उसके दर्शन करने हैं आपने, किसने करने हैं दर्शन? मिक्सी कहे मुझे दर्शन करने हैं, हम मिक्सी हो गए, गीजर हो गए, पंखा हो गए, टीवी हो गए। आपने मुझे प्रश्न पूछा पहले आते हुए कि मुझे इस ईश्वर के दर्शन करा दो, अब मिक्सी कह रही है मुझे उस बिजली के दर्शन करा दो। अब उसमें से बिजली का प्लग निकाला और बोला दर्शन कर, मिक्सी तुम्हारे अब कैसे दर्शन करे? बोले हाँ लगाते हैं लगाते हैं, फिर से बल्ब लगा, वो प्लग लगा दिया, मिक्सी फिर ऑन हो गई, बोले अब दर्शन कराओ, बोले अभी निकाल के देता हूं, वो फिर मर गई। तो किसके दर्शन करना चाहते हो? जब उसके अंदर प्लग लगा तो ईश्वर उसके अंदर आ गया। अब वो उसके दर्शन कैसे करे? उस बिजली से ही तो वो चल रहा, और वो बिजली ही कहे मुझे बिजली का दर्शन करा। ये सवाल ही गलत है, सही शब्द कहूं तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैं आपको नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया इसी मूर्खतापूर्णता में चल रही है। राम के दर्शन करो, राम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। अब हम मर जाओगे तो मिल ही जाएंगे तुम्हें, तो फटाफट जाओ आत्महत्या करो, कूदो और मिल जाओ उस ईश्वर को। मिक्सी को उठा के कूड़ेदान में फेंक दो, डेड हो गई, हम मर जाते हैं, हमें रखता है कोई? रखा किसी को? देखा अपने रखे हुए? वो मिक्सी बेकार हो गई यार, कूड़े में फेंको साला। ये फ्रिज खत्म हो गया, कंडम फेंको इसको स्क्रैप में। तो कहां गई उसकी आत्मा? आत्मा वही है जहां थी, वो प्लग में वेट कर रही है, उसमें नया फ्रिज लगाओ, नई बॉडी में आओ, फिर ऑन हो जाओगे। किसके दर्शन करना चाहते हो? बिजली के दर्शन कैसे करोगे? उसी की वजह से तो जिंदा हो, तो दर्शन कर कौन रहा है? ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, इसे व्यर्थ प्रश्न कहेंगे, पैराडॉक्स है। आप उल्टी बात कर रहे हो, मैं खुली आंखों से सोया। यार कैसी उल्टी बात कर रहा है, पागल बना रहा है क्या? मैंने आग से प्यास बुझाई, अबे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने भगवान के दर्शन, भगवान ही तेरे अंदर बैठा है जो दर्शन करने की ताकत दे रहा है, तभी तो हमारी ये चल पड़े। अब जो चला रहा है तुम उसी को कह रहे हो उसी के दर्शन करने, ये मुन्ना कर रहा है? हो नहीं सकता। तो काहे के ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि फंसे हो, ऐश करो। अब मर गए, मरते टाइम बॉडी चल नहीं रही ढंग से, बत्ती गुल है, मिक्सी पुरानी हो गई, टीवी पुराना हो गया, फ्रिज पुराना हो गया, पहले कैसे ठंडा नहीं करता, इसे फेंकना दे। तभी कहते ना ये बुढ़ा मरता नहीं है, किसी काम का नहीं है, जायदाद है इसके पास, हाँ अच्छा पाल लो। तो बत्ती गई, अब बत्ती जिसकी जा रही है, फ्रिज सोच रहा बैठा हुआ, काश जब मैं बढ़िया ठंडा करता था तो अच्छी आइसक्रीम जमा देता, ऐश कर लेता यार। अब फिर बुढ़ापे में सोच रहा है, ऐश कर लेते यार, ऐश नहीं की तो क्यों नहीं की? मना किया किसी ने? नहीं नहीं, पाप और पुण्य की चिट्ठी पढ़ाई गई थी इसलिए नहीं की। तो पागल है हम, ऐश करो ना। अच्छा नहीं करनी है, ऐश मत करो, फिर रोना मत बाद में, क्या ऐश नहीं करी तो कोई बात नहीं, फिर जियो ऐसी ही जिंदगी, फिर ऐश का रोना नहीं रो सकते। कौन से ऐश के चक्कर में मर रहे हैं, क्या रोना पिटना कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? अगर इतने ही संत बने बैठे हैं तो ठंड पड़ी है बाहर, जाओ बिना ये गर्म कपड़ों के, नहीं हम ईश्वर में मिल जाएंगे। ईश्वर में नहीं मिलोगे पिटोगे, बिजली के स्विच में उंगली नहीं डाली जाती। आपने दर्शन करने ईश्वर के, पता है कैसा प्रश्न है आपका? जिस बिजली से हम चल रहे ना, बिजली के बोर्ड में जा रहे, उंगली घुसा दी अंदर, फटाफट दर्शन हो जाएंगे उसके जब करंट मारेगी। ये बोलते हैं ना कि जब आप उस अवस्था में चले, ये जो बोलते हैं ना यही खराबी है, बस बोलते हैं को छोड़ दो, खुद जानो, सुनो नहीं, सुनो और जानो। आपने सुना चाय गर्म होती है, उंगली डाल के देखो जान जाओगे, अब जिंदगी भर के लिए पता लग गया, जिंदगी भर के लिए पता लग गया। ये जो लोग बोलते हैं ना, मैंने प्रश्न काट दिया आपका बीच में, क्योंकि मुझे पता है कहां जाएगा ये बोलते हैं वो बोलते हैं ये कहते हैं, पागल कर रखा है इन्होंने जो बोलते हैं। मैं आज एक किताब लिख दूं वो भी बोलते हैं, हो गया। मैं मुझे बोलते हैं कई लोग, किताब लिखो जी, यार मुझे खुद नहीं पता, मैं अपनी बात बदल देता हूं कुछ टाइम बाद। मैं ही कहता हूं हां राम ने गलत किया, मैं ही कहता हूं राम से बड़ा भगवान नहीं, कृष्ण ने ये गलत किया, कृष्ण कमाल थे। बाबा नानक ने भी बच्चे पैदा किए, बीवी थी क्यों छोड़ दिया, फिर पाप नहीं किया? ये प्रश्न व्यर्थ के प्रश्न है, इसको समझ नहीं सकते। ये हमारा कार्मिक प्रोसेस है, कर्तव्य पूरा किया और आगे को चले अगली डायमेंशन। पाप पुण्य के चक्कर में फंसो, बड़े बड़े गुरुओं ने बच्चे बलिदान कर दिए, ये पाप नहीं था क्या? है छोटे बच्चे? नहीं पाप नहीं है ये, बड़ा मकसद पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है,
ऐसे तो हर कोई पाप पुण्य कर रहा है, पागल हो जाओगे पाप पुण्य सोचते सोचते। बोलते हैं ना ये प्रश्न गांठ बांध लो जिंदगी में, कूड़ेदान में डाल देना इसको, पागल कर दे वे। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, खुद जानो। और याद रखो जिसने अपनी बोली है ना वो बने राम बुद्ध और कृष्ण महावीर, उन्होंने अपनी बोली है। बोलते हैं ना पे नहीं चले वो। मैं क्लास में कई बार बड़ी फालतू बातें करता हूं, मैं बोलना शब्द आता है बोलना पड़ेगा, तो कोई श्लोक बड़े जो क्लोज हो जाते फिर कहते हैं आप ये कैसे कैसे वर्ड्स बोल देते हो। तो मैंने कहता हूँ देखो भाई, अगर मुझे तुम मेरे गंदे वाले हिस्से को स्वीकार करके नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो तुम मेरे पास आने लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें हीरा निकाल के तब दूंगा जब तुम कोयला भी मेरा स्वीकार करोगे। अब बहुत सारा कोयला दूंगा तब कहीं हीरे के लायक समझूंगा। अब तुम बैठ के लगे हुए इसमें कि ठीक है जी हमें तो हीरा दे, कोयले की खान में हीरा नहीं मिलता आसानी से। तुम मेरी बकवास सहित मुझे एक्सेप्ट करो, राम की कमी के सहित राम को एक्सेप्ट करो, कृष्ण की लीला के समेत कृष्ण को एक्सेप्ट करो। अब वो नहीं कर सकते, तुम कृष्ण की ज्ञान की बात समझोगे कैसे? वो छलिया है, वो बकवास पहले करेगा, उल्टी सुल्टी बातें अलग दिखेंगी उसकी। हम ईश्वर को समझें, हम उसे समझने लायक बन जाएं, फिर समझे की बात तो करें। कहां जाना है, किन चक्रों फंसे हुए, ऐश करो पार्टी करो। जब आपने चॉकलेट खाई होगी बचपन में, सबने खाई है, मैं फिर भी कह रहा हूं आपने चॉकलेट खाई होगी बचपन में, फिर आपने बहुत सारी खाई, फिर माफी चाहूंगा शब्द होता है कुत्तों की तरह खाई। अब आपके सामने कोई चॉकलेट रखेगा आप कहोगे इससे ऊपर उठ गया यार, चलो क्यों क्यों ऊपर उठे, खा खा के अति मचा दी, ऐश कर करके अति मचा दो फिर ऊपर जाओगे। ऐश करने में तो सारी जिंदगी रोक रखा है खुद को, साला ऐश ही नहीं करते, अब ऊपर कैसे जाओगे? पहली मंजिल के ऊपर सारी धमाल मचा लो, ऐश अय्याशी पागलपन कर लो, खूब कीचड़ कर दो, स्केच पेन ले जाओ, दीवारों पे निशान लगाओ, कालिख लगा लगा के दीवारें खराब कर दो, दो पत्थर तोड़ दो, कूड़ा फेंक दो, अखबारें फाड़ दो। दूसरी मंजिल पे जाओगे अब ये करने का मन नहीं करेगा, वहां जाकर के आपको फर्नीचर तोड़ देता हूं, या फर्नीचर तोड़ दिया। अब तीसरी मंजिल पे फर्नीचर भी तोड़ने का मन नहीं करेगा, जो जो कर चुके हैं उससे ऊपर उठते जा रहे हो। इसलिए करो ना, कब करोगे? ऐसे ही जन्म बीतते रहेंगे, मर जाएंगे, इसलिए करो, जियो। हमने ये फोन भी ले लिया, वो फोन भी ले लिया, ये भी ले लिया, शौक मर जाने चाहिए। इतने फोन ले लिए, वो सब देख लिए, अब आईफोन 14 आया यार, ये भी इसको देख के भी पागलपन नहीं होता, तृप्त हो गए, ऊपर उठ गए। अब सैटेलाइट फोन लायक हो गया, ऐसे ऊपर उठता इंसान। अगर एलन मस्क इसी में घुसा रहता कि मैं 4 सोने चांदी के गहने और बना लूं, तिजोरी में रख लूं, तो गया था काम से। उसने कहा मैं फूकूंगा, रखूंगा नहीं, तब कहीं उठा। ऊपर उठना आसान काम थोड़ी है, हर मंजिल तोड़ते फोड़ते चलो ऊपर आ जाओगे। ऐश करो। ऐश कैसे करते हैं? खुद भी खाया, तुझे भी खिलाया, दे पार्टी, तब कहीं जाके आप इससे तृप्त होंगे। हमें तृप्त होना सीखना है, आप तृप्ति नहीं हुए तो क्या फायदा? और मिलना ऊपर वाले से? बस समझ गए। मिलिए लो जी, इनके तो ऊपर वाले के दर्शन हो गए आज। हुण थोड़ा की करना है? मेरे तो ड्यूटी नहीं है। आपके पहले हो चुके हैं? मैं तो पहले हो गया। ओ यार भुगत भोगी है, किन चक्रों में फंसना, जीवन बहुत सरल है, हमने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लगा के पंगे डाल रखा। इसलिए जियो, जियो घूमे जी, बहुत बढ़िया से जियो। आपने जिया नहीं जिंदगी तो करने क्या है धरती पे? संसार झूठा है, झूठा जब तक है तब तक तो सच्चा ही है। मरने के बाद क्या साथ जाएगा? अब तो मरने के बाद की बात करना, अभी तो जिंदा हो, अभी तो जी लो। एक्चुअली ये सब बातें हम सुनी सुनाई उसी को रटते रहते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं, असलियत हमें पता नहीं ये क्यों बोली गई, क्या है क्या नहीं, और बस सुनी सुनाई वही चलती आ रही है, क्योंकि हम वही सोई हुई उसमें चलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। हम सोए हुए में ही जी रहे हैं, बस ये बिल्कुल बढ़िया बात है। हम कब से सोए हुए हैं? कई जन्मों से सोए हुए हैं, और जिस जिसको शिक्षित करेंगे उसे भी सुनाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता। अब जो मुंह फट
बकवास बात करता है वो बंदे पसंद नहीं आते, वो कहते हैं साला गुरु घंटाल बना फिरता है, फिर हम फटाफट अपने गुरु में भी कमी ढूंढ लेते हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, राम ने ऐसे किया, मैंने कहा गलत किया यार, बहुत गलत किया, सही नहीं है, मैं खुद कहता हूँ सही नहीं किया, बहुत गलत आदमी था, तो फिर कमियां देख रहा राम की। अब मैं तुझे राम के थ्रू कोई चीज सिखाऊं, कृष्ण के थ्रू सिखाऊं, सिखाऊं कैसे, तूने तो कमियां देखने का ठेका ले रखा है, तू अगले जन्म में आई हो, छटनी करनी पड़ती है। या भेंट जुटाने का शौक हो तो मैं कहूँ हाँ हाँ ये राम 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 का जप कराओ, लाखों की भीड़ जुटेगी, लाखों अंधी भीड़, क्यों अंधे घूम रहे? आपने कुछ देखा नहीं, मेरे दादाजी ने कहा था, मेरे चाचा जी ने कहा था, अबा आपने कुछ देखा नहीं, मेरे मौसा जी ये कह गए थे, मेरे पड़ोसी वो, आपने कुछ देखा? साला हमने देखा ही कुछ नहीं, हम अंधे हैं, दूसरा जो दिखा रहा है वही देख के पूरा जन्म काट लिए, हम कब देखेंगे? ये कमी है। डेयर टू थिंक बियॉन्ड, dare to look beyond, dare to crush your own mentality, dare to unlearn what you knew till date. उसी को पकड़ के बैठे हैं बस, सिगरेट पी ली, सिगरेट पी ली, सिगरेट हमारे को मार देगी। अरे मर तो सिगरेट पिए बिना भी जाओगे, मर तो रोटी खा के भी जाता है इंसान, जो मरता है वो रोटी ही खाता है, कोई पिज्जा खाता है। हम एनर्जी पे चलते हैं, हम भोजन पे नहीं चलते, किसी भोजन पर नहीं चलते। हर दुनिया में हर किस्म का इंसान हर किस्म की रोटी खा रहा है, लोग ऑक्टोपस खा जाते हैं, हम भोजन थोड़ी करते हैं, हम ऊर्जा लेते हैं उसमें से, और इसके लिए शरीर बतेरा इंटेलिजेंट है, बतेरा इंटेलिजेंट है शरीर, उसको सब पकड़ है। आपको पता है शराब दवाई है? पता नहीं, ये दवाई है। और रोटी भी जहर है, पनीर भी जहर है, अगर ज्यादा खाओ घी भी जहर है, मार देगा। तो प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा निर्मित कोई चीज बुरी कैसे हो सकती है? हमें मात्रा लेनी नहीं आती। चेन स्मोकर नहीं मरते, और जो कभी कहते हैं राम 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 वो मर जाते हैं, छुआ भी नहीं उन्होंने, दारू को हाथ भी नहीं लगाया, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं होता। हमारे ऑफिस में कर्नल आनंद, He was chain smoker. एक बंद हुई दूसरी शुरू, एक बंद हुई दूसरी शुरू, और वो उसको हमने देखा था 1980 में देखा था, he was doing the same thing, right? और अभी वो कब उसने बॉडी छोड़ी है, अभी after I think 85 85 साल की एज में, 85 से भी ऊपर था मेरे ख्याल से, तमस थी उसको, अच्छी तमस थी, आप में ग्रेविटी अच्छी रहेगी, तमस ग्रेविटी है, तमस फर्स्ट क्लास जीती है। आपने देखा होगा बड़े प्यारे बगीचा है छोटा सा, उसमें ना फूल होते हैं, कितने खूबसूरत फूल, वो रजस है, सत्य है, उसकी लाइफ कितनी होती है, चार दिन। अब उस इलाके को आप छेड़ छाड़ना बंद कर दो, उसमें कांटेदार झाड़ियां उग जाएंगी, उनकी लाइफ पता है कितनी है, उसको बंदा दा जाएगा ना तोड़ने, उसके हाथ कट जाएंगे, वो तमस है। आप में तमस होगी आप मुश्किल से मरोगे, लंबी लाइफ होगी। सत्य की लाइफ तो बहुत छोटी, तमस क्या होती है? तमस जो अपने आप हो रहा है, अपने आप होता है वो, तमस है ग्रेविटी, चुंबक। तो तमस जो चेन स्मोकर है वो तमस मतलब अपने आप थोड़ी हो रहा है, पी रहे हैं, तमस है। अगर उसके ऊपर वो पागलपन करेगा, अभिमान करेगा, क्लेश करेगा, हाय हाय करेगा, तो वो ही चीज उसको मार भी देगी, और यदि वो उसको सहज लेके चलेगा तो नहीं मारेगी। अगर कोई सूफी आदमी जो स्मोक नहीं करता, मान लो ड्रिंक नहीं करता, वो कहे ना हम ना स्मोक नहीं किया, हम नहीं करते भाई साहब, वो भी जल्दी मरेगा। तो हमें एनर्जी मारती है, एनर्जी जिंदा रखती है, सिगरेट शराब और रोटी का कोई लेन देन नहीं है, ये तो प्रकृति ने जो बनाया वो आवश्यक अंग है धरती पे, उसमें क्या। पहली बात, हम कमियां ढूंढ रहे हैं, ये गंदी बात है, ये भी गंदी बात है, ये भी गंदी बात है, ये भी गंदी बात है। जो ज्यादा गंदी बात करते हैं ना, रिश्तों से कंगले होते हैं, वो रिश्ते नहीं चलते उनके अच्छे, क्योंकि वो गंदी बात ही ढूंढते रहते हैं सब में, और वो भी उसमें वो ढूंढ लेते हैं रिश्तेदार, और फिर कहते हैं टाटा जाओ, दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से, क्या करोगे उसका? जीवन को एक्सेप्ट करो, पार्टी करो, पार्टी गलत कर लो, पार्टी वो भी सीख जाओगे, क्योंकि गलत पार्टी करके ही सीखोगे, अब इसकी जरूरत नहीं यार। और जो लोग पार्टी करते करते बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, वो इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उनका गुरु नहीं होता। इसलिए गुरु पाल लो, वो तुम्हें पाल लेगा। तुम्हें कुत्ता पाल लो,
कुत्ता तुम्हारी प्रोटेक्शन कर देगा। जब रस्सी से बांध के कुत्ते को हम चलते हैं तो हम उस कुत्ते से भी उतना ही बंधे हैं जितना वो कुत्ता हमसे बंधा है। उससे गुलामी कराने के लिए हमें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। इसलिए कोई ऐसा पाल लो जो बता दे के हाँ ये हो गया वापस लौट गया, फिर जो मर्जी करो। बल्कि करना चाहिए, सीखोगे कहां से, ऊपर कैसे उठोगे। इसलिए जीवन भोगने का नाम है। भोगने फायदा क्या, फिर करने क्या है धरती में, बार बार धक्के खाते रहेंगे। जो लोग जीवन एंजॉय नहीं करते वो अगले जन्म में अपने जन्म के डायमेंशन से निचले जन्म में पैदा होते हैं। निचली डायमेंशन गिरते जाते हैं। और मनुष्य योनि छूट करके ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो पशु समान होते हैं। खुशी नोनी बोलनी नहीं, जो कई लोग धार्मिक होते हैं जो मतलब अपना खाया पिया नॉर्मल पूजा पाठ में समय व्यतीत किया। क्यों किया पूजा पाठ, मतलब उनकी वो लाइकनेस है? लाइकनेस नहीं है, वो संस्कार है। पूजा पाठ क्या करना है लाइक करके? पूजा पाठ में लाइक करने को है क्या? भीख मांगते रहो भगवान से। कृष्ण जी ने किसकी पूजा की थी, नानक देव ने किसकी पूजा की थी, लेकिन वो तो बुद्ध ने किसकी पूजा की थी? वो तो बुद्ध ने तो मतलब इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने स्वयं को जान लिया, हो गई पूजा। भीख मांगते हैं पूजा पाठ में? स्वयं जानने के लिए बंदा करता है ना, जब तक उसको नहीं ज्ञान होता है कि मैं वही हूँ। उसको तो ज्ञान होएगा ही नहीं मान के चलो, इसीलिए गुरु रखना पड़ेगा। कहीं तो समर्पित होना सीखे। बड़ी किस्मत से हम शिष्य बन पाते हैं। गुरु तो जगह जगह पड़े हैं, क्योंकि जिसके पास हीरा होता है वो देता नहीं आसानी। जब बुद्ध जी ने सेल्फ को रियलाइज कर लिया, लेकिन पहले तो वो भी मनुष्य थे ना। ऐश करी, फुल पार्टी करी। बुद्ध जैसे अय्याश कोई नहीं था। इतनी ऐश करी, पत्नी बच्चे स्त्रियां साले सावन भादो, मतलब अपने वही देखे, हरा भरा सब देखा। पैसे की अंत नहीं, काम का अंत नहीं, कौन सी चीज का अंत, भोग भोग के तृप्त हो गए। उसे छोड़ने में दिक्कत नहीं हुई, तभी तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब बुक पढ़ते हैं उसमें लिखा था कि वो तो देखते कि जब कोई बंदा बूढ़ा हो जाता या कोई मर जाता है तो उससे पहले वो राजकुमारी तो था, उसके लिए अलग महल था जिसमें कि पत्ते तक फूल तक मुरझाने नहीं दिए जाते थे अगर आपने पूरी पढ़ी हो तो। इतना भोग भोग के तो इंसान भोग को छोड़ सकता है। मुझे आप हर साल एक फोन गिफ्ट करते रहो, बाद में मेरा फोन से मोह भंग हो जाएगा। मेरा हाल ये होगा कि एक उम्र में जाके मैं कहूंगा मैं किसी फोन की शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं तृप्त हो गया। इसलिए तृप्ति होनी जरूरी है। तृप्ति कहते हैं कंटेंटमेंट। एनफ हो गया। बहुत पैसा देख के भी आप कहते हो भगवान से जाके मांगा थोड़ी जाता है। मंदिर जाओ फिर भगवान से मांगो। मंदिर का मतलब पता है आपको? मन के अंदर। खत्म हो गई बात। मन के पास जाओ, मन क्या कहता है? मन 24 घंटे कहता है पागल कुत्ते की तरह, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ये मन भी चाहिए। तो दौड़ाए फिरता है ना बाहर। ठीक हो गया, अब उसके अंदर जाना है। पागल कुत्ते की तरह दौड़ना बंद, मन के अंदर जाओ। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल। आपको पता है हमारी टेम्पल बोन कहाँ होती है? ये होती है, टेंपल बोन है हमारी। दिस इज द टेंपल। कैसी कमाल की बात है, अंग्रेजों ने इसका नाम टेंपल और उसका नाम भी टेंपल रखा। वो टेंपल दिखने का बना दिया गया, ये है टेंपल। गो टू द टेंपल, टू द हायर अबोर्ड। आप नीचे के चक्र से उठते उठते टेंपल पे पहुंच गए। आप कोई गहरी चीज कैसे सोचते हो? ऐसे सोचते हो, यह हाथ यहां जाता है यार, टक 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 उंगली कर रही है, टक टक करते हैं लोग, सच में करते हैं। बॉडी की लैंग्वेज करती है, क्या था यार वो, क्या था यार यहां से। या अभी आप टेंपल में गए हो, अभी शिक्षा एक एक बैठ के मैं गुरमीत जी को दूं, फिर मैं उसको दूं, फिर पता लगा 1 लाख लोग आ गए। मैं पता क्या कहूंगा, वो मूर्ति पड़ी वहां जाओ, चलो वहां पूजा करो, 1 लाख का 1 लाख आदमी भाग जाएगा। कोई एक आएगा पागल, वो पागल इसलिए कि बाकी लोग कहेंगे अबे पागल कहाँ जा रहा है। वो एक पागल है जो कहेगा वहां नहीं है, कुछ और है, मुझे बताओ। उसको बिठा के सिखाऊंगा। क्या करे, किस किस को सिखाएगा एक आदमी?
वो भी पागल हो जाएगा। तो क्या है सिखा, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता सिखाना क्या है। मुझे तो कई बार बोला गया कोई कल्ट बनाओ जी, कुछ ऐसा बनाओ, कुछ है योगा बताओ, कुछ एक्सरसाइज, मुझे कुछ नहीं पता क्या बताओ क्या कहो, मुझे कुछ नहीं समझ आता। मैं कहता हूँ बस पागल बनाना है तो मैं ये शुरू कर दूं, 7 दिन का शिविर लगाते हैं, मैं लगाऊंगा 7 दिन की पार्टी, संग संग रहते रहते ही सीख जाएंगे। अपनी बेटी को माँ परेशान होती है, रोटी बनाना सीख ले, रोटी बनाना सीख ले। माँ को करना चाहिए 1 घंटा तेरे साथ बैठूंगी टीवी देखूंगी, अब 1 घंटा तो रसोई में मेरे साथ खड़ी हो, सीख जाएगी। संगत में सीखता मनुष्य, दारू पीने वालों की संगत में बैठो तो सही, सिर्फ बैठो, एक दिन अपने आप कहोगे मेरा भी बना दे यार आज 1 पैग। ओ भाई क्यों, तेरे को बोला किसने, बना दे यार आज सब पीते हैं एंजॉय, पता नहीं करते क्या यार, मेरे को भी बना दे। संगत में सीखता मनुष्य, सत्संग कहा गया है, सत्संग करो हो गया, अपने आप सीख जाओगे। क्या योगा कराओ क्या क्या, बाकी करते करते हो जाता है। श्वास की क्रियाएं हैं कई, प्राणायाम है, कोई अभ्यास है, कोई एनर्जी की बातें हैं, कोई मानसिक एक्सरसाइज है, वो हो जाएंगी, पर कराएं क्या। जब ईश्वर वो कल दे देगा तो वो भी कर देंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आता कराऊं क्या, कौन से शिविर लगाऊं, कुछ नहीं पता। एंजॉय करने का पता नहीं, खाओ पियो सो टीवी देखो गप्पे मारो, और बीच में अगर इतनी सी भी ज्ञान चर्चा और ध्यान चर्चा और प्रभु कृपा से उसका बात हो गई, आ गया स्वाद आ गया। सब कुछ खाने के बाद इतना सा एक पान बड़ा मजा देता है, बस वही प्रभु चर्चा है, स्वाद आ गया यार थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली, एंड ऑफ द डे मजा आ गया यार गुड़ चबा लिया। फिर आप इंद्रियों को खुश कर रहे हो, इंद्रियों को खुश कभी नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियों कभी खुशी नहीं होता, वो सारा खुश नहीं होता, वो बोर होता है। जो वो बोर हो जाएगा कुछ चीजें खा के, पिज्जा खा के बोर हो जाएगा ना जब, फिर आप पिज्जा से ऊपर उठ गए, आइसक्रीम खा के बोर हो जाओगे, फिर आप उसके लिए पागलों की तरह दौड़ोगे नहीं। तो मन करवा रहा सब कुछ, सब मन करवा रहा है, मन ही बंधन का कारण है। बंधन बंधन सीखा ही मन से, बंधन का मतलब ही मन है, बंधन का मतलब ही मन है, भविष्य का मतलब मन है। अगर आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो वो मुन्ना बोल रहा है उस समय, आप भूतकाल की बात कर रहे हैं वो मुन्ना बोल रहा है। मेरे पास लोग आते हैं कई, बोलते हैं मैं अपने बारे में बताऊं जी आपको, मेरे साथ ये, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं बताना, मेरे पास बैठो मेरी बात करो, मेरी सुनने आओ, अपनी कहानियां सुनने आओ, क्योंकि वो पास्ट में जा रहा है, उसका मुन्ना ऑन हुआ है अभी अभी, अब वो पास्ट में जा रहा है, अब उसे मेरी कुछ समझ नहीं आएगी, पहले उसका मुन्ना क्लियर करना पड़ता है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं सुननी आपकी बकवास, अब तो हमारा नाम बदनाम हो चुका है, पहले तो शुरू में तो कोई लोग कहते थे कैसे बदतमीजी से बोलते हो आप, मैं कहता जाओ फिर दफा हो जाओ, तुम मुन्ना की बातें करते रहोगे तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आएगी, करने तुम मुझसे आए हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, जब तुम धुल के आओगे आ जाना, क्या सिखाऊं क्या समझाऊं, खाली डब्बे में तो कुछ डालूंगा तुम पहले भरे हुए, फिर जाते हुए मुझे 4 गाली बक्के लग जाओगे, यार बंदे ने फीस भी ले ली साला कुछ समझ भी नहीं आया, क्यों आएगा कहां से, तुम तो अपनी कहानी करने आए हो मेरे पास, बस साथ ही रहो वही बतेरा है और कुछ भी नहीं है। ईश्वर मिलता 2 प्रेमियों को, बस साथ बैठ जाते हैं, शायद बातें करने की जरूरत नहीं। आज लोगों का प्रेम खराब है क्योंकि बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, क्या बात करें। कथा है वो बुद्ध के साथ एक बच्चा बैठा, आकर के शिष्य बैठे थे 10,000, वो आया बैठा बुद्ध के पास, चुप बैठा रहा बस, और बैठने के बाद उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद बुद्ध ने भी आंखें बंद कर ली और उसे आशीर्वाद दिया। आंखें खोली, उसने पैरों में सिर झुकाया और आंसू छलकाता हुआ चला गया। शिष्यों ने बोला क्या हो रहा है ये ड्रामा, बोले भगवान क्या कर रहे हो, ये क्या पागल था, क्या करके गया ये, चुपचाप आया बैठा रहा थोड़ी देर, फिर हाथ हाथ जोड़ के चुप हो गया, फिर आपने भी चुप हो गया, फिर आप भी, और फिर ये हाथ पैर पकड़ा इसने और ये हाथ उठा के आपने आशीर्वाद दिया चल दिया। बोले बेटा वो पूछने आया था कि उसके बारे में कुछ कहो जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बोले उसके बारे में कुछ बताइए जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बोले उसने आंखें बंद कर ली, प्रश्न पूछ लिया मुझसे। बोले कब पूछा, बोले बस यही था प्रश्न। बोले आपने उत्तर क्या कहा,
बोले मैंने आंखें बंद करके कह दिया कि बस यही उत्तर है, और वो समझ गया, बस चला गया। ये है ज्ञान, समझना पड़ेगा। चाय के कप में उंगली डालो, पता लग जाएगा गर्म क्या होता है। अदरवाइज प्रश्न पूछते रहोगे, कुछ नहीं होगा। और जिनको ये उत्तर नहीं पता, वो आपको कुछ ना कुछ बोल के नई गोली मूंगफली दे देंगे और उसमें घुमाते रहेंगे, फिर आप फिर घूमते रहोगे। और आपको पता क्या अहंकार आएगा, मैं तोते उड़ा दूंगा सामने बैठा बंदा साला, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, पेल दूंगा, पता नहीं चलेगा उसे क्या जवाब देना, भटकते रहोगे। मस्ती करो, ठीक है, बस बिगड़ जाओ आज से, ठीक है जी, आनंद आ गया, चलो बेहतर। ओके जी, लवली, हाँ हेलो जी, हेलो राकेश जी, आ जाओ आ जाओ, आइए प्लीज, जैसे मर्जी आ जाओ।